अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग है, अपन जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। पर कहाँ जा रही, किधर जा रही, ये आपको आगे मालूम होगा। तो अभी तो टाइम हो रहा 5:30, अपन इसमें जाने वाले हैं, इस पर ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलो आगे देखेंगे क्या होता। गाइस हमला रुके हुए इस टाइम ढाबे पे, और ये गाइस जाने का था प्लान, ऐसा बन गया कि जा रहे समझो ईद मिलने के वास्ते। अब कहाँ जा रहे वो तो मैं आपको बाद में बोलूँगा। यहाँ ढाबे पे रुके हम, यहाँ पर थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के बाद निकलेंगे। हाईवे है निज़ामबाद टू, जो मैं आप लोगों को बता बोला था, हमारे निज़ामबाद टू, हम निज़ामबाद में एंट्री कर दी है अभी, तो हो गए। अब जाना है सर भाई के घर पे, वहाँ जाने के बाद मस्त एंजॉय करेंगे। पहले आएंगे सर भाई के घर पे जाना है, उसके रास्ते अपन ईद मिलने के रास्ते जा रहे हो गाइस, सबको ईद मिलने के वास्ते। महाजन भाई को महाजन भाई के घर पर छोड़ने भी, महाजन भाई नहीं आते कहते वापस, फिर महाजन भाई के भी घर पे जाना है, सबके घर पे जाना है। इस्लामाबाद में देखेंगे अपन, अगर टाइम मिला तो अभी एक ब्लॉग बनेंगे, नहीं मिला तो ये ब्लॉग में पूरा दिखेंगे। तो अगर गाइस कॉपीराइट नको आन दो ज़रा, कॉपीराइट आया तो पीछे हो जाते हैं। स्पीड में 200 नहीं भी चला, पुलिस के सामने नहीं रुकता, आई एम नाइट राइडर। अरे कपके गलिया सन्नाटे में है, इतनी धूप में कोई भी नहीं निकल रहा बाहर। लड़के वायरा लगा दिए गाइस, अंदर नहीं जाना बोल के, लेकिन फिर भी बच्चे जाके खेल रहे। देखो इतनी धूप में पानी है कि नहीं तालाब में, अरे है ना यार, थोड़ा पानी निकाल रहे चल कर रहे वर्क ऊपर बीच है गाइस। ये है सहारनपुर, जो निज़ामबाद से तकरीबन 1-2-3 किलोमीटर दूर है। और गाइस ये है किला, यहाँ पर फेमस इसके सेंट्रल जेल है ये मेन, तो कैदियों को यहाँ अच्छे लगते हैं, जो सहारनपुर में है। युवालिया के पहाड़ा वहाँ आ रही है, और यहाँ धूप तो दबा के मार रही पर ब्रिज है, ब्रिज पे जाएंगे तो किराक मारने का इस नंबर जाएंगे ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर जाके निकलता हूँ, पहले बहुत तरफ कम से कम 4-5 महीने हो गए यहाँ पर नहीं आके।
जाके देखेंगे ब्रिज पे। और ये पुलिस स्टेशन यहाँ का जो सेंट्रल जेल है इधर की सहारनपुर की, यहाँ के पूरे जो निज़ाम आते थे उन्होंने जो भी रहते थे जो यहीं से ले जाके रखते हैं यहीं से अंदर ही छोड़ गए। खाली आसमान आसमान दूर तक है, एक बिल्डिंग दिखती ना कुछ दिखती, खाली कैसे धूप क्या है दबा के मारती है, टेम्परेचर आखिरी रहता। और वो ब्रिज तो है मेन लोहे का, और वो कितना गर्म हो गया कि क्या है ये, अब उसके ऊपर लंगे पर चलने का चैलेंज लगाना यार, अपन इतने पैसे जबरदस्त अरे लंगे पर ही चाह रहे थे। गाइस ये है देखो ब्रिज जो पूरा लोहे का बने हुआ है, ये पूरी तालाब है जो अभी तो इस टाइम सूखी हुई है, जब इसमें पानी आएगा तो इंशाल्लाह अपन भी आएंगे। चलो चलिए देखो ये था ब्रिज और अपन देंगे। और ना वो घास आ गई क्यों निकाल रहे इसका मैं आपको रीज़न दे दूँ, वहाँ पर पड़े भी है घास, वहाँ के कच्ची घास निकाल के धूप कैसी है टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर में सूखने का तो छोड़ दे रहे, और वो किराक घास बन रही है वहाँ पर, क्या फोटो भी किराक आते हो देख तो मैं आपको दिखा दूँ, वो तो एक फ़ोटो ही मार दो आप मालूम हो ना कहीं को निकाल रहे हो घास इतनी धूप में, मगर बेचारे निकाल रहे पानी में से कुछ काम के वास्ते निकाल रहे, और वो बहुत काम में भी आती है वैसी चीज़ है, वो दिखा दो आप लोगों को। देखो गाइस ये घास बोल रहा था मैं, मगर इतना खरीद के लेके आए बोल के बोल रहे सब जन, तो मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है कि वहाँ की घास निकाल के यहाँ रख रहे सुखाने का थे, ये घास भैंसा खा रहे जिससे दूध आ रहा है, जो दूध अपन पी रहे उससे ना पैसे कमा रहे, तो इतना तो बड़ा मास्टर माइंड मार्केटिंग कर रहे ना, वाह गाँव वालों को कभी कम नहीं समझना समझे ना। हाँ गिरा मेरी दान गाइस, हम कैरी तोड़ रहे हैं यहाँ पर जो टूट रही चाहिए, और वो भी तोड़ रहे किससे, इतनी पसंद चीज़ है भाई दुनिया की हल्की है। अरे अरे हल्लो हल्लो, अरे दो टूट गए गाइस कैरिया। गाइस सो गाइस आज है अपना निज़ामबाद में दूसरा दिन, और मैं देखो अभी उठा, हम सोए थे रात में 12 बजे, अब उठे भी 12:01 बजे, देखो तो सुबह में उठ के अपन सफ़र करें ना और ट्रैवल करें तो 6 बजे उठ के निकले थे, उसके बाद से नींद दबा के थी तो सो गए थे देर तक, और यहाँ के बिस्तर देखो गाइस लौट के पूरे कैसे कर दिए, तो बैक कैमरे से बता दो ये रूम का सीन और घर भी दिखा दो। ये तो अपन देखो अब सेकेंड डे में क्या क्या होता है अपने साथ इस्लामाबाद में वो देखेंगे, और मैं बिल्कुल जल्दी उठ के फ्रेश हो गए आप लोगों से मिल तो कुछ सपोर्ट नहीं है, चलो ऐसा पसारा कर दिया हमने लौट लौट के। अच्छे दुकाना है ये, कटिंग की दुकान है ये, अपनी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है गाड़ी अपनी इधर साइड इधर नीचे नीचे घर के बाहर, ये अपने भाई अपन ऊपर जाएंगे अब घर का एरिया ये है अपना पूरा यहाँ का घर। ये
ये रहा मैं जो आपको खिड़की में से बता रहा था सीन, वो भी अपना इधर की बालकनी है दूसरी, और वहाँ है अपनी गाड़ी खड़ी हुई। ये है पुराना का एरिया, यहाँ थोड़े चबूतरे बने हुए बैठने के, लेकिन टेरिस पे आगे बैठना पड़ता है। थोड़ा दिख रहा देखेंगे अपने साथ आज के दूसरे दिन कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। ये तो बनाई थी ट्यूबलाइट घूमने के वास्ते, देखेंगे फिर भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और कहाँ कहाँ जाने का टाइम मिलता कहाँ कहाँ जा सकते देखेंगे। तो अगर व्लॉग पसंद आ रहा तो कमेंट ज़रूर करो, और नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो कि बोल तो मैं व्लॉग नक्को बनाऊँगी के, क्योंकि तो मैं ज़्यादा व्लॉग बना रहा नहीं इसके वास्ते, इसकी किसी को पसंद आ रही किसी को पसंद नहीं आ रही तो वो इस कमेंट करके बोल दो अपना मालूम होता मेरे को। और मेरी वीडियो पे काम चल रहा जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगी, यहाँ से जाते साथ ही उसका शूट स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट तो रेडी है फिर शूट स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह शूट स्टार्ट करूँगा मैं जाके, और आपको वीडियो देखने मिलेगी कैसा भी नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। गाइस मेरे को भी ये जगह दिखी, हम लोग आए सो दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पर एक दरगाह है जो इधर साइड है, तो ये अच्छा दिख रहा कि अंदर जाएंगे अपन देखेंगे क्या तो भी है, मसला फोटो वोटा मारी के जाए। पर आए मैं छोटा मानने के वास्ते यहाँ किराया भी लगा मान लेते हैं, ये अंदर किसी है पूरी लपड़ में फोटो वोटो मारेंगे फोटो वीडियो करेंगे। पर पानी की टाँकी है यहाँ पर पीछे, कहाँ गिर रही पानी टाँकी, अरे पानी टाँकी इधर है झाड़ के पीछे दिख रही नहीं, यहाँ फोटो मार के निकलेंगे। गाइस आज अपना नाम आज अपना निज़ामबाद में सप्ताह दिन चार दिन हो गया अपने पास के, तो आज जुम्मा है अपन उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो के नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और आपको भी दिखाते हैं जुम्मा से, और नमाज़ पढ़ने के बाद देखेंगे काम जाते हैं गाइस। हम ला नमाज़ पढ़ के आए यहाँ पर, एक कितने पाँच कम दो बजे थी, कितने 2:45 को थी नमाज़ वहाँ पढ़ ले के आए, नहीं 2:55 को थी तो वह नमाज़ अरे वो कितने बजे थी कि यार 1:45 थी रे, हाँ 1:45 को थी तो नमाज़ पढ़ ले के आ गए। अब घर को जा रहे, घर को जाके भूख तो नहीं लगी, खाना खा लिए, हाँ खाना खा लिए, अब देखेंगे और कहीं तो भी जाने का है कहते जाएंगे आपको भी लगेंगे। और अपना आज निज़ामबाद में पूरे चार दिन हो गए आगे, चौथा दिन चल रहा, तो देखेंगे जाएंगे अपने घर को, बहुत दिन हो गए वैसे भी जाएंगे अपने घर को भी आगे देखो।
होगा इसमें भैंसों वैसों भी है। भैंसा घास खा रही। गाइस अपन इस वक्त है डिशपल्ली के आगे, गांव आता छोटा सा जिसका नाम रामड़गु है, तो हम वहां पर आए हुए हैं। यहां पर अपन देखेंगे क्या क्या किराक किराक जगह है इधर, वो आप लोगों को दिखा दूँ। देखो मैं भी अभी आया आके, अब निकला बाहर, अपन देखेंगे क्या है यहां। ज़बरदस्त सीधा मस्त जंगल वंगल का एरिया किराक है, अपने बहुत कम देखने मिलता अपने शहर में। अब आए सोते को देखना कितने ज़बरदस्त पहाड़ा वहाड़ा है, तो देख के मज़ा करेंगे, मज़ा करके निकल लेंगे। फिर सुबह सुबह निकलना है अपने को, फिर 4 बजे गाड़ी में अपने हैदराबाद के वास्ते। तो वही अब यहाँ जितना हो सकता आप लोगों को दिखा दूँ, के बाद आगे का देखेंगे। किराक प्लेस है यहाँ पर, आहा लोकेशन है खाली। अपनी कॉमेडी वीडियो का शूट किराक होता है इधर, मगर अपन रहते नहीं आ रहे यहाँ पर। अपने इधर भी ऐसे जगह है लेकिन वो दूर दूर जाना पड़ता है लोकेशन के वास्ते। किराक प्लेस है। हाय बोलो पट्टे का मेरे। हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है, जहाँ पर इनके घर को आए हुए हैं, तो इन्हें अपने को घुमाने वास्ते लेके आए हैं बाहर। जो किराक प्लेस दिख रही क्या फोटो मारेंगे, हो सका तो ये वीडियो भी बना के देंगे, क्या बोलते हैं देव। ये तालाब का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसको, लम्मा तालाब कहते गाइस, जो रामड़गु में है। ये डिचपल्ली से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है एक, वहाँ पर ये तालाब है। यहाँ एक मंदिर है, यहाँ बयाना चल रही, मतलब भजन चल रहा है, कुछ पूजा चल रही शायद। तो ये है तालाब। अब अपन नज़दीक तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाने का नज़दीक, यहाँ की लोकेशन तो बिल्कुल भरी है पूरी सपोर्ट दो से। फिर आगे अभी सनसेट भी हो रहा है, सन है वहाँ, चांद भी निकल रहा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर आगे मगर यहाँ की लोकेशन बड़ी दिख रही, आप लोगों को कैसी दिख रही कमेंट करके बोलो, मेरे को तो मौत दिख रही। ये लोकेशन जो आप लोगों को पसंद आई क्या कमेंट करो। अब अपन निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे घर पे, फिर देखेंगे क्या प्लान है, या मॉर्निंग निकलते तो निकलते वक्त सीधा घर पे। जो भी है आप लोगों को बोल के, अगर व्लॉग पसंद आ रहा तो कमेंट करो। ये और ये जगह तो किराक दिख रही है, इसको छोड़ के जाना दिल में बोल रहा, मगर क्या करते जाना पापा, अब यहाँ तो नहीं रह सकते अपन। अरे पानी तो ज़्यादा इसमें कम हो गया, आपने तो आए जब तक वहाँ तक रहती थी तालाब, एक टाइम पे मैं आया था तो कम से कम 2018 में आया था यहाँ पर, तो अब आया 2022 में, तो कम से कम कितने साल हो गए देखो आप ही लगा लो। 2018 में आया था तो अब आया,
बहुत अच्छा है, पहले की जैसी से कुछ बदला नहीं ज़्यादा, लेकिन बहुत इंजॉय हुआ और अपने ये टूर में भी बहुत इंजॉय हुआ अपने को। अब सीधा अपने घर ही जाना है, यहाँ से अपन निकल जाते सुबह सुबह 5 बजे के टाइम पे, वही अपन जैसा निकले थे वो टाइम पे निकल जाते, फिर घर पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद जो होने का वो तो घर पर मालूम आप लोगों को। अपन घर पर जाने के बाद गाइस, लेकिन मुझे शूट स्टार्ट करना है एक मेन वीडियो का, जो मैं अभी से आप लोगों को उसको स्टार्ट करना है। आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी वीडियो जो मैं बोला ब्लॉग में, बहुत जल्दी देखने मिलती वीडियो और ये भी मिलती है जल्दी देखने। चलो पटे जाएंगे हमें, चलो पानी भर लेंगे। रेगुलेटर में पानी कम हो गया था, अभी फिल कर दिया अपन, पानी भरेंगे। ये टाकी है, हो पैर कच्चे हो जाएंगे। भर लिया अपन फुल बॉटल गाइस, जा रहे अपन अभी गांव छोड़ के अपने शहर वापस। इतना सन्नाटा दिख रहा है यहाँ पर रात के 5 बजे, वैसे तो 7 बजे सन्नाटा हो गया। Did anybody out there hear?